टेक न्यूज आ गए हैं स्टूडियो एक पूरे हफ्ते के बाद। जी हाँ, न्यूयॉर्क में थे, आपको तो पता है अगर पिछले दो तीन न्यूज आपने देखे हुए तो। वैसे व्लॉग आ रहा है न्यूयॉर्क का, यस न्यूयॉर्क में हमने व्लॉग शूट किया है, थोड़ा अलग टाइप का वीडियो है, जरूर देखिएगा जाके। नहीं, अभी तक लाइव नहीं हुआ है, अगले 24 घंटे में लाइव हो जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, या आई कार्ड में मैं डाल दूंगा उस व्लॉग को, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं आज की खबरों से, बहुत सारी खबरें हैं एंड एक बहुत बड़ी खबर है जो मुझे थोड़ी सरप्राइजिंग लगी। इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर से ना, उसके खिलाफ आप लोग मतलब कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स करते हो। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन देव सिंह चौहान, इन्होंने लोकसभा या राज्यसभा में बताया कि टोटल 5 करोड़ कंप्लेंट्स जो है वो आए हुए हैं FY 2022, मतलब बाय 2022 ये जो ईयर है इसके अंदर कुछ 5 करोड़ कंप्लेंट्स आए हुए हैं। पता है सबसे ज्यादा किसकी है? एयरटेल। जी हाँ, एयरटेल की 2.99 करोड़ कंप्लेंट्स है। 2.99 करोड़, दैट इज क्रेजी। वी वोडाफोन आइडिया जो है उनके खिलाफ 2.17, एंड जियो सिर्फ 25.8 लाख ओनली। वाओ, दैट इज क्रेजी। मतलब एयरटेल इज डूइंग समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग, दैट्स फॉर श्योर। दूसरी बहुत बड़ी खबर जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूं, और अब फाइनली लग रहा है कि शायद आईफोन थोड़ा सस्ता हो जाए इंडिया में। आईफोन 14 सीरीज इंडिया में बनने वाली है, और याद रखिए पहले भी आईफोन्स बने हुए लेकिन पिछले वर्जन, मतलब जब आईफोन 13 लॉन्च हुआ था तो आईफोन 11 या 12 बन रहे थे। इस टाइम पैरेलली चाइना और इंडिया में आईफोन 14, आईफोन 14 मैक्स, आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स ये सब मैन्युफैक्चर होने वाला है, ऐसे कहा जा रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्यों? क्योंकि चाइना में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। वैसे भी मैंने पहले भी बताया कि चाइना में जो इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से इंडिया का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, एंड यू कैन सी दिस आईफोन 14 सीरीज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। वाओ, अगर हम अच्छी तरह से करते हैं, ये वाला जो वेरियंट है आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्मूथ हो जाती है, then wow यार, I mean that will be awesome। वैसे दोस्तों खबरें ऐसी आई हुई है, इनफैक्ट परसों मैंने बताया था कि जियो जो है शायद 5G 15 अगस्त को ही लॉन्च कर दे। अब टेलीकॉम मिनिस्टर जो हमारे हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने कंफर्म किया है कि 5G नेटवर्क इन इंडिया विल बी रोल्ड आउट इन अक्टूबर। चलो ठीक है, अक्टूबर उसके पहले ही आ जाएगा मेरे हिसाब से, बट उन्होंने सेफ साइड कहा है कि अगले 2-3 महीने में हो जाएगा, बाय अक्टूबर इट विल बी रोल्ड आउट, एंड दैट इज अ गुड न्यूज। जब मिनिस्टर कहता है then it is a huge thing, and that also means कि it is kind of official, क्योंकि telecom operators ने obviously telecom minister के साथ confirm कर दिया होगा कि हाँ हम अगले 2-3 महीने में करने वाले हैं। But I will not be surprised अगर Jio announce करता है, Jio या Airtel announce करता है 15 August को कि हमारा 5G ऐसे ऐसे तारीख को आ रहा है। Oh, it is going to be exciting। 5G के speeds क्या होने वाले हैं? नीचे comment में बताइए आपको क्या लगता है, 4G और 5G में बहुत ज्यादा difference होगा? Pricing में क्या difference होगा, आपको क्या लगता है जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 अमेजॉन नेदरलैंड की वेबसाइट पे आ गया है। आई मीन गलती से ही आ गया, गलती से पेज लाइव हो गया होगा। वही दोस्तों जो स्पेसिफिकेशंस आए हुए हैं बाहर, बाहर की जो स्क्रीन है वो 6.2 इंच की डायनेमिक एमोलेड स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। अंदर की जो मेन स्क्रीन है 7.6 की इंच की डायनेमिक एमोलेड 2x इन्फिनिटी फ्लेक्स स्क्रीन है, उसमें भी 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है। 12GB रैम दिख रहा है, बेज कलर दिख रहा है, एंड गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का इसमें प्रोटेक्शन आने वाला है जो लेटेस्ट है। वैसे अगस्त 10th को ही लॉन्च है दोस्तों, ज़्यादा दूर नहीं है, सब कुछ पता चल जाएगा। Realme की तरफ से भी फोन्स आने वाले हैं, Realme 9i 5G, 5G Rockstar कहा जा रहा है कोड नेम। ये अगस्त 18 को लॉन्च होने वाला है, 6.6 इंच की FHD प्लस स्क्रीन है, Dimensity 810 है, 5G प्रोसेसर है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 5000mAh की बैटरी एंड 33W फास्ट चार्जिंग, 4GB 64GB की प्राइस 13999 होने वाली है, एंड 6128 की 15999। इंटरेस्टिंग, 5G फॉर 14,000, 5G फोन नॉट बैड। वैसे दोस्तों ओप्पो की तरफ से खबर आ रही है, उनका जो कलर ओएस अपडेट है, बड़ा अपडेट कलर ओएस 13 है, 3 फोन्स पे आ रहा है। वैसे इसी महीने कलर ओएस 13 ग्लोबली लॉन्च होने वाला है, और पहले 3 जो फोन्स होंगे वो रेनो 8 सीरीज होने वाले हैं, और उसके बाद में फाइंड एक्स जो उनका फ्लैगशिप लेवल का होता है उसमें आने वाले हैं। सो या, कलर ओएस 13 कमिंग सून। वैसे दोस्तों Redmi K50 सीरीज में और एक फोन आ रहा है, Redmi K50 एक्सट्रीम एडिशन, और ये एक्सट्रीम क्यों है, क्योंकि इसमें 8 प्लस जेन 1 होने वाला है। ये वाइबो पे उन्होंने अनाउंस कर दिया, अब इंडिया में ये आने वाला है, किस नाम से आएगा वी आर एब्सोल्युटली नॉट श्योर। ये पांचवा या छठा फोन है K50 सीरीज में। वैसे स्पेसिफिकेशन 6.67 इंच की OLED स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, 200 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, एंड आगे का जो सेल्फी कैमरा है वो 20 मेगापिक्सल का है, 8 प्लस जेन 1 तो है ही। ऑलराइट, मोटो की तरफ से 2 फोन्स आने वाले हैं दोस्तों, मोटो G32 एंड मोटो G62। अब ऑगस्ट 9 को मोटो G32 कन्फर्म्ड है, जो 4G फोन है एंड एक्सट्रीमली वेल प्राइज्ड। जी हाँ, कुछ 11,000 के करीब होने वाला है ऐसे कहा जा रहा है। आई एम नॉट श्योर, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। 6.5 इंच की FHD प्लस LCD
LCD स्क्रीन है 90 हर्ट्ज की एंड Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर पे आता है 4+128 वर्जन के लिए। और दोस्तों Moto G62 दो दिन के बाद मतलब अगस्त 11 को लॉन्च होने वाला है। अब इसके जो रूमर्ड स्पेसिफिकेशंस है वो है 6.52 इंच की FHD प्लस OLED 120 हर्ट्ज स्क्रीन 480 प्लस Qualcomm Snapdragon 480 प्लस ये 5G प्रोसेसर होने वाला है। इंटरेस्टिंग, इसमें भी 4128 वेरिएंट होगा एंड ट्रिपल कैमरा सेटअप है 50+8+2 एंड 16 मेगापिक्सल का, आगे IP52 सर्टिफिकेशन होने वाला है। प्राइस अराउंड 15,000। अब आने दीजिए अगस्त 9th एंड अगस्त 11th G32 एंड G52 G62 सब कुछ पता चल जाएगा। ऑलराइट, नथिंग के बारे में बात करते हैं जी। नथिंग के नए ईयरबड्स जो वीडियो लाइव स्ट्रीम चल रहा था उनका तो उधर टीज किया हुआ है, गलती से आ गया होगा आई एम नॉट श्योर, बट नथिंग के नए ईयरबड्स आने वाले हैं और दो नए वायरलेस ईयरफोन्स भी लॉन्च करने वाले हैं ऐसे कहा जा रहा है। ये दिस कुड बी बेसिकली नथिंग ईयर वन स्टिक, वो स्टिक के जैसे फोटोज आए हुए हैं एंड नथिंग ईयर टू। वाओ, दो और भी वायरलेस, ये ट्रांसपेरेंट होंगे या नहीं नीचे बताइए आपको क्या लगता है, वेदर दे आर गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट। आई थिंक दे विल बी। वैसे दोस्तों परसों की न्यूज में मैंने बताया था कि नथिंग फोन वन लाइट आने वाला है, जी हाँ काल पे ने सीधा कह दिया दिस इज फेक न्यूज, नथिंग फोन लाइट वन नहीं, नथिंग फोन वन लाइट जो है ये ऐसे कुछ फोन नहीं है, सो डोंट वेट फॉर इट। बट अगर लेके आते हैं थोड़ा सस्ता करते हैं, इट वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग, इजंट इट, क्या लगता है आपको? वैसे स्काई ईस्पोर्ट्स के सीईओ जो है शिवानंदी वो इंटरेस्टिंग कमेंट्स करते हैं। परसों की न्यूज में बताया था कि BGMI इंडिया माइट कम बैक, ये टेम्पररी बैन है ऐसे उन्होंने कहा है। अब तो ये कह रहे हैं कि टिकटॉक भी फिर से आने वाला है। जी हाँ, इनफैक्ट टिकटॉक कहा जा रहा है कि मुंबई बेस्ड हीरा नंदानी ग्रुप है उनके साथ बात कर रहे हैं फॉर काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप टू मेक अ कमबैक। इंटरेस्टिंग, मतलब टिकटॉक एंड BGMI दोनों भी इंडिया में वापस किसी और तरीके से, इधर से उधर से उधर से, पता नहीं, देखते हैं आने के बाद सब कुछ बताएंगे। टाइम फॉर रैपिड फायर, आपका फेवरेट सेक्शन है दोस्तों। वैसे YouTube में एक नया फीचर आ रहा है, YouTube प्रीमियम यूजर्स के लिए, ये पिंच टू जूम, मतलब कोई वीडियो आपको जूम करके देखना है तो आप कर पाओगे। जी हाँ, पिंच टू जूम अवेलेबल होने वाला है September 1st से। Instagram की तरफ से एक इंटरेस्टिंग फीचर आ रहा है दोस्तों, जो फोटोज हैं वो अल्ट्रा टॉल होने वाले ऐसे कहा जा रहा है। जैसे रील्स है, रील्स जब आप देखते हो तो फुल स्क्रीन भर जाती है, वैसे ही अब फोटोज आप जब पोस्ट करोगे Instagram पे फुल स्क्रीन हो जाएंगे बड़े, देखते हैं। वैसे दोस्तों OnePlus की तरफ से Nord N20 SE ये जो है ये रिवील हो गया है, Helio G35 प्रोसेसर के ऊपर है ये, अली एक्सप्रेस पे दिख रहा है August 8th को इसकी अवेलेबिलिटी होने वाली है। 178 yuan प्राइस है इसकी, देखते हैं, नहीं $178 सॉरी। और दोस्तों पुराना क्लासिक नोकिया 110 अब 4G वही वेरिएंट में आ गया है। जी हाँ, ये जो है ये इंडिया में लॉन्च हो गया और इसकी प्राइस जो है 1799 1800 रुपये, साइन एंड चारकोल इस कलर्स। ऑलराइट दोस्तों, यही थी आज की ट्रैकिंग टेक न्यूज 1383 की खबरें। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं है वो कर दिया, शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग, स्टे सेफ।